अभी नवाखानी त्योहार का समय है और मेरे लिए यह त्योहार और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस बार मुझे फसल की बहुत अच्छी उपज मिली है। गांव के उत्पादक समूह की मीटिंग के दौरान हमने जो अंतः फसल के साथ खेती की तकनीक सीखी और अपनाई, ये उसी का परिणाम है। शुरुआत में मुझे अपने पति और साथी किसानों को उन्नत खेती की इस तकनीक के बारे में समझाने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह अब एक उदाहरण बनेगा। मुझे अपने पति को बहुत समझाना पड़ा, साथ ही इस पर और जानकारी के लिए उन्हें AKS दीदी के पास भी ले गई और फिर उन्हीं ने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास है तो ऐसा ही कर लो। मुझे ये करना तो था ही, लेकिन मैं थोड़ा डर भी रही थी, क्योंकि अब तक मुझे ऐसा मौका नहीं मिला था जहां मैं खेतीबाड़ी के संबंध में कोई निर्णय ले सकूं। उत्पादक समूह में मिलने वाले प्रशिक्षण से मुझे बहुत सारी जानकारी मिली और आत्मविश्वास मिला। मैं खुश हूं कि अब धीरे धीरे खेतीबाड़ी से जुड़े निर्णय ले पा रही हूं। AKS दीदी के सहयोग से अब समूह की सभी दीदियां उन्नत कृषि तकनीक को अपना रही हैं और इसमें हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। मैं अपने पति के साथ भी ये सारी जानकारियां साझा करती हूँ और अब तो वे खेतीबाड़ी से संबंधित बातों में मुझसे सलाह भी लेने लगे हैं। आपको पता है, अब मैं स्वयं भी निर्णय लेने में सक्षम हो रही हूँ। मेरे पति कई अन्य बातों में भी मुझसे सलाह लेने लगे हैं, जैसे मैंने निर्णय लिया कि हमारी बेटी जब तक पढ़ना चाहेगी हम उसे पढ़ाएंगे। मुझे अब समझ आ रहा है कि जानकारी ही ताकत है और मैं चाहती हूँ कि वह बहुत जानकार और आत्मविश्वासी बने। मैं सोच रही हूँ कि फसल को बेचकर जो भी आमदनी होगी उसको कैसे बेहतर उपयोग कर सकूँ। मैं ये भी सोच रही हूँ कि उसे इस बार आलू की खेती के लिए खर्च करूँगी और साथ ही उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर अधिक उपज भी पाऊंगी। अधिक उपज को मैं नजदीकी बाजार को छोड़कर अन्य जगहों पर बेचूंगी या फिर गांव में आने वाले व्यापारी को बेच दूंगी। लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल भी है कि क्या मैं अकेले सही तरीके से मोल भाव कर पाऊंगी या क्या मैं अकेले फसल बेचने बाजार जा पाऊंगी? क्या मैं मोल भाव करके अच्छा दाम ले पाऊंगी? उत्पादक समूह के पिछले मीटिंग में बताया गया था कि हम किसानों को इस कार्य में उत्पादक समूह से मदद मिलेगी। इसके लिए मैं भी उत्पादक समूह से ही मदद लूंगी और वहां से हमें अपनी फसल को सही जगह में बेचने और बेहतर दाम पाने में मदद मिलेगी। हम सब मिलकर ऐसा कर सकते हैं। मैं खेती से मिली आमदनी को बेहतर तरीके से खर्च करने के सभी तरीके सोच रही थी, साथ ही यह भी सोच रही थी कि कैसे और अधिक आमदनी सुनिश्चित कर सके। इसके लिए मैंने सोचा कि अब हमें और अधिक जगहों पर फसल लगाना चाहिए जिससे हम पहले खाली छोड़ दिया करते थे। इस बारे में मैंने अपने पति से बातचीत की, लेकिन उन्होंने कोई इच्छा नहीं जताई। फिर मैं AKS दीदी के पास गई और उन्होंने मुझे यह कहा कि वे अगली मीटिंग में अन्य सब्जी और फसलों की खेती तथा कुछ अन्य सरकारी योजनाओं की भी जानकारी देंगी। मैंने उस मीटिंग में भाग लिया। बहुत से अन्य दीदियों ने भी अन्य सब्जी फसलों की खेती करने पर सहमति जताई और सभी लोग वीडियो में बताए गए तरीकों को अपनाकर खेती करने को उत्सुक थे। मुझे अब लगने लगा था कि मैं भी एक किसान हूँ। बहनों, क्या आप भी अपने आप को किसान समझती हैं? मुझे पता है कि जिस जमीन पर हम खेती करते हैं वो हमारी नहीं है। ज्यादातर जमीन हमारे पतियों के नाम पर है। हम खेतीबाड़ी से जुड़े सभी निर्णय ले सकते हैं। उत्पादक समूह और AKS दीदी के माध्यम से हमें खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारियां मिल रही हैं। उन्होंने हमें यह भी बताया था कि एक किसान और नागरिक होने के नाते कई तरह के पहचान पत्र होते हैं जो हमारे पास होना चाहिए। क्या आपके पास जॉब कार्ड, फोटो पहचान पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड या आपके नाम पर जमीन का पट्टा आदि है? ज्यादातर ये सभी हमारे पतियों के पास होते हैं, लेकिन देश के नागरिक और किसान होने के नाते ये सभी पहचान पत्र जरूर होने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हम महिलाओं के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हैं, जैसे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना।
इस परियोजना के माध्यम से हमारे लिए विशेष अनुदान और ऋण का भी प्रावधान है। साथ ही इसके माध्यम से हमें कई तरह के प्रशिक्षण भी मिलते हैं। इस जानकारी को जानने के बाद मैं बहुत उत्साहित थी। पहली बार मुझे लगा कि मैं एक माँ, पत्नी और पुत्र होने के अतिरिक्त कुछ और भी हूँ। मैंने तो अपने पति से फोन मांगकर कल खुद की पूंजी लगाकर कार्य करने से संबंधित वो वीडियो भी देखा जिसके बारे में AKS दीदी ने बताया था। मैंने हिसाब भी किया कि दीदी ने वीडियो के माध्यम से खेती की जो नई तकनीक सिखाई है उसे अपनाने पर हमें खेती में कितना खर्च करना पड़ेगा और हम उससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं। मुझे अब अपने लिए एक महिला उद्यमी होने का एहसास होता है जो दिन रात अपनी खेती और फसल के बारे में सोचती रहती है। सब्जी की खेती से मुझे अच्छी उपज मिली है। अपने परिवार के लिए जरूरत भर रखने के बाद भी हमारे पास अतिरिक्त उपज है और ऐसा केवल मेरे साथ ही नहीं हुआ है बल्कि कई महिला किसानों के पास अतिरिक्त उपज है जिसे अब हम बाजार में बेच सकते हैं। हम सब ने साथ में मिलकर अपनी उपज को बेचने का फैसला किया है। इसमें हमें किसान उत्पादक कंपनी से भी मदद मिलेगी। हम सब संगठन में अपनी क्षमता को देखकर बहुत उत्साहित हैं। हमें दिक्कतें तो आएंगी लेकिन हम सब एक साथ मिलकर एक दूसरे को रास्ता दिखाते हुए साथ चलेंगे और सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे।